एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास फोर्थ, और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लीन अप आप किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है फेस को डीपली क्लीन करने का। क्लीन अप बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में आप अपने फेस पे कर सकते हैं, और पार्लर में अगर आप करवाते हैं तो 200 के आसपास की शुरू होता है और बहुत ही अच्छा खासा क्लीन अप हो जाता है 200 के अंदर अंदर। तो आप घर पर भी कुछ प्रोडक्ट्स के साथ अपना क्लीन अप कर सकते हैं इन कुछ स्टेप्स के साथ जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों क्लीन अप करने का। इससे क्या होता है, आपके जो आपको फेस को डीपली क्लीन किया जाता है, आपके फेस पे धीरे धीरे ग्लो आना शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है फेस को क्लीन करने का। और जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रही हूँ वो थोड़े बहुत फेशियल की तरह ही हैं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करनी है दोस्तों। और मेरी क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और इस तरीके से आप अपना क्लीनअप पूरा कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अब शुरू करते हैं हम अपना क्लीनअप। सब मैं यूज़ कर रही हूँ VLCC के प्रोडक्ट्स, इससे हम अपना क्लीनअप कम्प्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्लिनजिंग करेंगे अपने फेस पे, और फेस को क्लीन करेंगे, पोर्स को ओपन करेंगे, जिससे कि हम अपने चेहरे की अच्छे तरीके से सफाई कर सकें। मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनजर, और इससे अपने फेस पे 3 से 4 मिनट तक मसाज करनी है। और इस तरीके से आपको मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना है। सर्कुलर मोशन में आपको मसाज देनी है अपने फेस पे, और फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको मसाज देनी है, और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने फेस के ऊपर। हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में करनी है। 2-3 स्टेप्स हैं जो आप ध्यान से देखिए अपने फेस पे गोल गोल, और जब नोज़ एरिया के आसपास करेंगे तो आपको अपने फिंगर्स का हेल्प लेना है, और एक एक करके सारे फिंगर्स का यूज़ करना है। इस तरीके से आपको अपना फेशियल करना है, सॉरी क्लीन अप करना है। जितनी भी आप स्टेप्स करेंगे वो सब सर्कुलर मोशन आपको करने हैं, और ज़्यादा प्रेशर आपको अपने फेस पे नहीं देना है। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से करना है, फिंगर टिप्स की हेल्प से करना है। तो इस तरीके से आपको मसाज देनी है अपने फेस पे। इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, क्लिनजर और स्क्रब और पैक। और अगर आप चाहें तो अपने फेस पे स्ट्रीम दे सकते हैं, और कुछ लोग क्या होता है स्ट्रीम लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने स्किप किया है। आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मसाज देनी है अपने फेस पे। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्लेंजिंग। अब हम शुरू करेंगे स्क्रबिंग।
तो अब हम स्क्रबिंग करेंगे अपने फेस पे, स्क्रब लगाएंगे और फिर से वही सारे स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। स्क्रब क्या होता है, हमें नोज़ एरिया के आसपास ज़्यादा करना होता है, ब्लैक हेड स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हमें इसका ज़्यादा मसाज देनी होती है। और इसी तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, धीरे धीरे जाना है, फिंगर टिप्स की हेल्प लेनी है और बस ये है कि ज़्यादा आप प्रेशर नहीं दें अपने फेस पे, बिल्कुल हल्के 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 हाथों से करना है हमको। तरीके से करना है, नोज एरिया के आसपास ज़्यादा हमें करना है, एक एक करके पूरी फिंगर्स का यूज़ करना है हमको। तो इस तरीके से वही सारे स्टेप्स हमें करने हैं और धीरे धीरे ब्रेक नहीं देना है, बहुत ही आराम आराम से करना है। यहाँ पे हमारा स्क्रबिंग पूरा होता है, देन हम यूज़ करेंगे फेस पैक। अब हमें फेस पैक लगाने जा रही हूँ मैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब आप फेस पैक लगाएं तो अपना जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रखें, एक ही साइड में रखें। अगर आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि इससे हमारी स्किन टाइट होती है और हमें बोलना भी नहीं होता है ज़्यादा, इसमें बोलना नहीं चाहिए कि लगाने के बाद पैक, क्योंकि इसमें आपको रिंकल्स होने की चांसेस हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा बिल्कुल भी मत बोलिए और ऊपर एक ही डायरेक्शन में आपको लगाना है, एक साइड में आपको इस साइड और दूसरी साइड में एक ही डायरेक्शन में आपको लगाना है। तो इस तरीके से लगाना है धीरे धीरे से और आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है। फेस पे क्या करता है, फेस पे जो हमारे पोर्स को हमने ओपन किया था उन्हें क्लोज करता है। स्क्रबिंग से हम अपने पोर्स को क्लीन करते हैं और फेस पैक पैक लगाने के बाद वो फिर से हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। और जब पैक कंप्लीट हो जाएगा तो हमें नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। देन हमें यूज़ करना होता है मॉइस्चराइज़र, टोनर मॉइस्चराइज़र। आप अपने फेस में टोनिंग करेंगे उसके बाद में आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। देन हमें अपने फेस को क्लीन कर लेना है नॉर्मल वाटर से, इस तरीके से धीरे धीरे से पानी लेके आप अपने फेस पे, या रोज़ वाटर भी यूज़ करना चाहती हैं तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके से अपने फेस पे धीरे धीरे से मसाज देनी है और देन आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है नॉर्मल वाटर से, धीरे धीरे करना है, बिल्कुल तेज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैंने यहाँ पे वीडियो को टाइमर पे लगा रखा है, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है दोस्तों।
देन आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। और जब आपका पैक उतर जाएगा उसके बाद में आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लेना है ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो सके और मॉइस्चराइज हो सके।